दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रतीत समुत्पाद के बारे में। इसे आप बुद्धिज्म का केंद्रीय सिद्धांत भी कह सकते हो, बिकॉज प्रतीत समुत्पाद के बाद हम जो भी जानेंगे, क्षणिकवाद और अनात्मवाद, वो इससे रिलेटेड है। तो बौद्ध दर्शन को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम प्रतीत समुत्पाद को सही से समझें। प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों से बना है। प्रतीत्य मीन्स कि एक पर निर्भर होकर या एक की अपेक्षा से, और समुत्पाद का अर्थ है किसी दूसरे की उत्पत्ति, यानी कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद को आप कार्य कारण सिद्धांत भी कह सकते हो, जिसे हम कर्म का सिद्धांत या लो ऑफ कर्मा भी कहते हैं। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। जिस चीज़ों का कारण आपको पता नहीं होता, वह आपको जादुई मालूम होती है। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको मटका बनाना है, मतलब कि मटका एक कार्य है जिसे अस्तित्व में आने के लिए कारण चाहिए। वह कारण है कुम्हार और मिट्टी। कुम्हार को हम निमित्त कारण कहते हैं और मिट्टी को उपादान कारण। कई बार कार्य को होने के लिए बहुत से कारण चाहिए, उसमें से एक भी कारण न होने पर कार्य अस्तित्व में नहीं आता। अब यहाँ आप कारण गिन पा रहे हो, लेकिन ये ब्रह्मांड में या आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसके पीछे मिलियंस ऑफ रीजन हो सकते हैं, जिससे आपको आपका जीवन अनप्रिडिक्टेबल मालूम होता है। लेकिन अगर आप अपने हर एक कर्म को, चार प्रकार के जो कर्म है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक कर्म, इनको पूरी जागरूकता से कॉन्शियस होकर देख सको, तो आप अपना 100% जीवन अपने हिसाब से बना सकते हो। प्रतीत समुत्पाद में गौतम बुद्ध ने 12 कार्य कारणों की एक चेन प्रस्तुत की है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। गौतम जब बुद्ध बने, तब उन्हें सभी कार्य के पीछे का कारण ही तो ज्ञान हुआ था। जो दुख है उसके पीछे 12 कारणों की एक चेन है। तो वे 12 कारण थे, जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। तो अविद्या ये सबके पीछे का मूल कारण है। आइए ये शब्दों को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, जरा मरण। जरा मरण का सामान्य अर्थ है बुढ़ापा, लेकिन यहाँ इसका उपयोग सभी प्रकार के दुख ऐसे हुआ है। तो दुखों का कारण क्या है? तब बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है जाति। जाति का मतलब है कि जन्म लेना। तो बुद्ध से पूछा गया कि हम जन्म ही क्यों लेते हैं? तब बुद्ध ने कहा, उसका कारण है जन्म लेने की इच्छा। आपकी इच्छा मात्र से ही आप जन्म लेते हो, उस इच्छा को ही बुद्ध ने भव कहा है। अब अगला प्रश्न ये किया जाता है कि हम जन्म लेने की इच्छा क्यों रखते हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि ये संसार की वस्तुओं के प्रति मोह ही आपको जन्म लेने का कारण बनता है, जिसे बुद्ध ने उपादान कहा है। तो यह संसार के प्रति हमारा मोह क्यों है? इसका कारण है तृष्णा, यानी कि किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। ये तीव्र इच्छा ही है जो हमें संसार में पकड़े रखती है। तो अब ये इच्छा का जन्म कैसे होता है? ये तृष्णा का कारण क्या है? तब बुद्ध कहते हैं, उसका कारण है वेदना, यानी कि महसूस करना। आपकी जो इंद्रिया या सेंसेस है, वो कुछ पाकर महसूस करना चाहती है कि इस वस्तु से मुझे कैसा फील होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि वेदना क्यों होती है? हमारे सेंसेस को क्या महसूस करना होता है? तब बुद्ध कहते हैं कि वेदना का कारण है स्पर्श। वो कहते हैं, तुम्हारी इंद्रिया है उसकी संसार के चीज़ों के साथ संयोग की जो अवस्था है, कुछ पाने की जो अवस्था है, वही उसका कारण है। बुद्ध कहते हैं कि स्पर्श का कारण है षडायतन, यानी कि 6 इंद्रिया। 5 इंद्रिया जो सबको पता है, और 6ठी इंद्रिय है मन, हमारा माइंड। ये 6 इंद्रिया और सेंसेस के कारण ही हमें स्पर्श की संयोग की अनुभूति होती है। अब बुद्ध ने षडायतन यानी कि 6 सेंस का कारण नाम रूप को बताया है। नाम का अर्थ है मानसिक या विचार, और रूप का अर्थ है भौतिक, यानी कि नाम रूप का अर्थ है मनयुक्त आपका ये भौतिक शरीर, और वही षडायतन के लिए जिम्मेदार है। आगे बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप का कारण है विज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान, जो ज्ञान या बुद्धि से परे है,
जिसे चेतना कहा जाता है। चेतना के कारण नामरूप मनयुक्त शरीर बनता है। चेतना के कारण ही इंद्रियां बनती है। चेतना के बिना वे कुछ भी नहीं। आप जानते हैं, जब शरीर में चेतना का प्रभाव रुक जाता है, फिर शरीर कुछ नहीं है, वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। तो फिर बुद्ध से पूछा जाता है कि चेतना का कारण क्या है, चेतना क्यों है। तब बुद्ध कहते हैं, आपके संस्कार ही इस चेतना का कारण है। यहाँ संस्कार से बुद्ध आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म की बात कर रहे हैं। तो पूछा गया कि यह संस्कार के पीछे कौन है, हम कर्म क्यों करते हैं जिससे विज्ञान नाम रूप में उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते हैं, संस्कार का कारण है इग्नोरेंस, अविद्या। ज्ञान का अभाव ही कर्म बनाते हैं। अविद्या यानी कि अज्ञान के कारण ही आप ऐसे कर्म बनाते हैं कि आप फिर से जन्म लेते हैं। तो ऐसे दुख का मूल कारण अविद्या अज्ञान है। आप अपने कर्म को जागरूकता से कॉन्शियस होकर नहीं करते कि इस एक्शन का आगे क्या रिएक्शन आएगा, और ये अज्ञान ही आपको अंततः दुख देता है। तो सारे ऊपर के चक्रों का कारण अविद्या अज्ञान ज्ञान का अभाव है। बुद्ध कहते हैं कि अविद्या के नाश करने के लिए एक ही मार्ग है, बुद्धत्व की प्राप्ति। अविद्या का नाश होते ही मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्ध या बुद्धत्व का अर्थ है अपनी बुद्धि से परे चले जाना, क्योंकि बुद्धि भी तो अविद्या से निर्मित है, तो वह अविद्या का नाश कैसे करेगी। अपनी बुद्धि और तर्क से ऊपर उठ जाना ही बुद्धत्व है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप अपने मन का एक पार्ट जो तर्क है उससे समझ नहीं सकते, और बहुत डायमेंशन है मन के जिसे आपको समझना होगा। सो एट द एंड सारे दुखों की जड़ अविद्या है, और अविद्या का नाश बुद्धत्व द्वारा ही संभव है।